पड़ोसी घरे लागिछि बोली चुप होई बसले चलिबनी कारण नीचो चाळ ओ बेसी दुरन होई कारण भुवनेश्वर रे भी स्थिति संघाती खेलाणी राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड रो सद्यतम सूचना कहूची आगु को दिल्ली आडो को मुहाउछि भुवनेश्वर विष पालटुछि भुवनेश्वर जलवायु वर्धित कलेबर सांगकु जनसंख्या और जानवाहन वृद्धि जगू ए परिस्थिति उपजिछि राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड रो सद्यतम सूचना अनुसार भुवनेश्वर चारिटी अंचल रसुलगढ़ नयापल्ली यूनिट 8 और यूनिट 1 हेउछि सर्वाधिक प्रदूषित अंचल एसबु अंचल रे वायुमंडल रे क्यूबिक मीटर पिछा धूलिकणार परिमाण 100 माइक्रोग्राम रु जथेष्ट अधिक एथिपाई क्रमगत भावे व्यापक निर्माण कार्य संग को बेलगाम जानवाहन वृद्धि को मुख्यतः बोर्ड दायी करिछि मोस्टली चारिटी जगह रे रसुलगढ़ छक पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड 8 नंबर ऑफिस एवं कैपिटल हॉस्पिटल ए कैपिटल पुलिस स्टेशन आउ आईआरसी विलेज रे ई जो चारिटा जगह रे ऑलमोस्ट शहर भितरे आमे प्राय स्टैंडर्ड बहुत अधिक पाउछु राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड रो सूचना अनुसार भुवनेश्वर वायु रे सामग्रिक धूलिकणार परिमाण क्यूबिक मीटर पिछा 93 माइक्रोग्राम रहितबा बेले रसुलगढ़ अंचल रे धूलिकणार परिमाण सर्वाधिक 107 माइक्रोग्राम नयापल्ली रे 104 यूनिट 8 रे 103 और यूनिट 1 रे 104 माइक्रोग्राम धूलिकणा रहुछि परिवेशविद को मतरे एही स्थिति आगोकु संगीन हेबा निश्चित जन घर आम देखु 5-10 वेहिकल रोचे और वेहिकलर पल्यूशन आम जी लगाम लगेदे गोटे घर एतिक इनकम रही एतिकी मेम्बर रही एतिकीटा वेहिकल रखिपर अधिका वेहिकल रखिपर ना जमी मझे दिल्ली में वायुमंडल दूषित है से ऊपर पा पकड़े सेमती सिचुएसन न आसु भुवनेश्वर से पूर्व सरकार तार विधि व्यवस्था करने आवश्यकता रही आदि एमती कंटिन्यू लगि रोहे तो भुवनेश्वरवासी माने जिमिति पानी पा पैकेट किणुचंती 20 टंका लीटर रे सेमिति अम्लजान किणिकी व्यवहार करियो भुवनेश्वर रे बढुथुबा प्रदूषण रो मात्रा पई विभिन्न कारण दायी रहितले भी यहार मुख्य कारण वर्धित जनसंख्या बोली परिवेशविद को मत परिवेशविद को मत रे वर्धित जनसंख्या कारण रु राजधानी एक कंक्रीट जंगल रे परिणत होची जेउथि पई प्रदूषण रो मात्रा दिनक दिन वृद्धि पाइबार लागिछि आग को ए स्थिति असंभाल होइ पारे बोली चेतावनी दैछंती परिवेशविद एने विभागीय उदासीनता उपरे प्रश्न करिछंती राजधानी बासिंदा तो एबे सबु प्रकार पोल्यूशन आरंभ होइलन जोंति पे लोक माने धीरे धीरे जो माने शहर गाँव रु शहर मुख आउथिले से माने धीरे धीरे शहर रु गाँव मुख मारिले काहीकि ना जो शहर को से माने आशा करि आउथिले से शहर रे बर्तन जेते पोल्यूशन होइलानी से माने बाध्य होइकि गाँव परिवेश कहुछन जेमति टिके शांति रे जळि परिबे मैं छोट छोट पिला थिलु तळे मोर मन अछि हम जेतले भुवनेश्वर को आउथिलु भुवनेश्वर टा हमकु दी प्रकार फील दउथिला गोटे गाँव रो फील दउथिला गोटे भुवनेश्वर रो फील दउथिला कौन होता ना रास्ता घाट गुच्छर परिपूर्ण था गोटे आसिले मजा लगुता कि बर्तमान परिस्थित में मुझे कहबी जो आम घर बाहर जाऊँ प्रथम टेनसन हो सर घर जाइ बेल सावधान जरूरी ना आग को स्थिति संगीन होगा निश्चित भुवनेश्वर कैमेरामैन प्रफुल्ल शील मनोज जेना ईटीवी न्यूज प्रदूषण केते प्राणघातक हो पारे ताहा कल्पना भी करें केते मारात्मक हो पारे से कथा आपण निज आखिरे न देखिले विश्वास करिवेनि विश्वर सबुठु आधुनिकतम शहर भोगिछि एही दशा मात्र किछि दिन भितरे जाइछि 12,000 प्राण इतिहास पृष्ठारे जहार ना लंडन एयर इमरजेंसी पांच डिसेंबर 1952 मसीहा प्रबल थंडा पड़ी थाए उपरकु दिसुथिला एकदम स्वाभाविक थिला लंडन किंतु ना आदम स्वाभाविक नथिला से दिन एक घर बाहर को बाहर परे अनुभव करिथिले लोके चारियाड़ी थिला अति बहलिया कुहुड़ी मुह को मुह दिशु नथिला किंतु एथरर कुहुड़ी थिला टिके भिन्न ए कुहुड़ीर रंग थिला फीका हलदिया पानीपाग भी नथिला अनुकूल सेतेबेले लंडन उपरे थिला एक गुरुचाप बलय फलरे पवन एकदम ठप थिला सेपटे बढ़ी चली थिला थंडा तेणु घर को उषुम रखा अधिकरु अधिक कोयला व्यवहार करुथिले लंडनवासी सेपटे थंडा और काकर जोगु धुआं सबू वायुमंडल ऊपर स्तर को उठी पारु नथिला
ମାତ୍ର ଅଳ୍ପ ଦୂରକୁ ଦେଖାଯାଉଥିବାରୁ ଗାଡ଼ି ଚଳାଇବା ବେଶ କଠିନ ଥିଲା। ଏ ସମସ୍ୟା ଗୋଟିଏ ଦିନର ନଥିଲା, ଦିନ ପରେ ଦିନ ଲାଗି ରହିଥିଲା ଏ ସମସ୍ୟା। ତୃତୀୟ ଦିନ ବେଳକୁ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ଫୁଟରୁ ଅଧିକ ଦୂରକୁ ଦେଖିବା ଥିଲା ଅସମ୍ଭବ। ଗାଡ଼ି ମୋଟର ଚାଲିବା ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା। ସେତେବେଳକୁ ଘନ କୁହୁଡ଼ିରେ ବଢ଼ିଯାଇଥିଲା ବିଷାକ୍ତ ପଦାର୍ଥ ଓ ଏସିଡ୍ର ପରିମାଣ, ଫଳରେ ଅନେକ ଫୁସ୍ଫୁସ୍ ସଂକ୍ରମଣର ଶିକାର ହେଲେ। ନିଶ୍ୱାସ ନେବାରେ କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କରିବାରୁ ପାଦରେ ଚାଲି ଚାଲି ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଲୋକଙ୍କ ସୁଅ ଛୁଟିଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ଜଣକ ପରେ ଜଣେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଲେ, ବଢ଼ି ଚାଲିଲା ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା, ଶହ ଶହ ହଜାର ହଜାର ଲୋକଙ୍କର ଜୀବନ ଗଲା। ନଅ ତାରିଖ ବେଳକୁ ପ୍ରାଣଘାତୀ ପ୍ରଦୂଷଣ ନେଇସାରିଥିଲା ବାର ହଜାରରୁ ଅଧିକ ଜୀବନ। ପାଞ୍ଚ ଦିନ ପରେ ପବନ ବହିବା ଆରମ୍ଭ କରିବାରୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ହଟିଲା ପ୍ରାଣଘାତୀ ପ୍ରଦୂଷଣ ଯୁକ୍ତ ଘନ କୁହୁଡ଼ି। ସେତେବେଳକୁ କିନ୍ତୁ ସବୁକିଛି ଶେଷ ହୋଇସାରିଥିଲା, ୟା ସହ ଖୋଲି ସାରିଥିଲା ପ୍ରଦୂଷଣ ପ୍ରତି ସାରା ବିଶ୍ୱର ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ। ପ୍ରଦୂଷଣକୁ ସହରୀ ଜୀବନର ଏକ ଅଙ୍ଗ ବୋଲି ମାନି ନେଉଥିବା ଲୋକେ ଏବେ ଅନୁମାନ କରିପାରୁଥିଲେ ଏହା କେତେ ମାରାତ୍ମକ ହୋଇପାରେ। କେତେ ମାରାତ୍ମକ ହୋଇପାରେ ସହରୀକରଣ, ଶିଳ୍ପ ବିପ୍ଳବ, ଆଧୁନିକ ଜୀବନଶୈଳୀ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ନ୍ୟୁଜ୍। ପ୍ରାଣଘାତକ ପ୍ରଦୂଷଣ ସମସ୍ୟା ହେଲେ ସମାଧାନ କ'ଣ? କ'ଣ ଏହାର ସମାଧାନ ପ୍ରକୃତରେ କାମ ଦେବ? ଏ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଖୋଜିବା, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଛୋଟିଆ ବ୍ରେକ୍ ପରେ।